एक गांव में आशु, मुन्ना और मोहन नाम के तीन दोस्त रहते थे। उसी गांव के पास एक बहुत ही घनी और डरावनी पहाड़ी थी, जहां कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां डरावनी चुड़ैलों और भूतों का वास है। एक दिन, अरे यारू, बहुत दिन हो गए, हम सब मिलकर कहीं घूमने नहीं गए। घर पे वही बीवियों की टोका टाकी, मैं तो परेशान हो गया। हाँ, चलो गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चलते हैं। अरे नहीं, पागल हो गया है क्या? हमने बचपन से ही सुना है उस पहाड़ी पे खतरा है। अरे सब सुनी सुनाई बातें हैं, हमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखा है क्या? हाँ ठीक कहते हो, चलो फिर कल चलेंगे, कुछ जरूरी सामान भी ले लेंगे। मोहन तू डर मत, कुछ नहीं होगा यार। फिर अगले दिन वो तीनों दोस्त पहाड़ी पर जाते हैं। चलो यार, सब मिलकर पहले तंबू लगा लेते हैं। फिर तीनों आग जलाकर बैठ जाते हैं और खाने पीने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया, ना बीवियों की चिक चिक और ना माँ बापू की डांट। चलो अब खाना पीना हो गया हो तो घूमने चलते हैं। कुछ देर घूमने के बाद रात हो जाती है, तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, ये आवाजें कैसी है? चलो चलो वापस तंबू में चलते हैं, रात भी हो गई है, ये भेड़ियों की आवाज लगती है, आ गए तो कच्चा ही चबा जाएंगे। अरे यार तू बहुत डरपोक है, चल कुछ नहीं होगा। तभी मोहन के पैर में कुछ काट जाता है। अरे मर गए, अरे ये मेरे पैर में क्या काट गया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई इसको उठाओ और तंबू में वापस ले चलो, इसके पैर से खून निकल रहा है, दवा लगानी होगी। फिर वो लोग वापस चले जाते हैं और आधी रात होते ही मोहन का पैर नीला पड़ने लगता है और उसकी चोट में से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, भागो रे, इसके पैर से तो कीड़े निकलने लगे। भाइयों मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे बचा लो। फिर मुन्ना और आशु उन कीड़ों को पास में चल रही आग से एक लकड़ी उठाकर भगाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे मोहन की टांग के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी नीला पड़ने लगता है। अरे मर गया, अरे नाच मिटो, मैंने मना किया था ना, मत चलो इस पहाड़ी पे, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, हाय हाय मम्मी बचा लो। तभी मोहन जमीन पर गिर जाता है। नहीं मोहन भाई, उठो। मुन्ना देखो इसे क्या हुआ, ये पूरा नीला पड़ गया है। मुन्ना भाई लगता है ये तो मर गया, भाई हमने यहाँ आकर गलती कर दी। अरे देखो मोहन के शरीर में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ही देर में मोहन शैतान बन चुका होता है और उठ जाता है। अरे भाई ये तो उठ गया, मरने के बाद ये कैसे उठ सकता है भाई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे, रे आशु चल भाग, नहीं तो ये हमें भी मार देगा, अब ये शैतान बन चुका है। नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मोहन तू मेरा दोस्त है ना, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन अब शैतान बन चुका होता है और उसकी नहीं सुनता। जैसे ही आशु उसके पास जाता है, मोहन उसके गले पर काट लेता है, और जैसे ही मोहन आशु को काटता है, कुछ ही पलों में उसका रूप भी बदलने लगता है। मुन्ना भाई दर्द हो रहा है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं भी कुछ देर में इसी के जैसा ना बन जाऊं, जाओ भाग जाओ। फिर मुन्ना रोता हुआ गांव की तरफ भागने लगता है। भागो रे भागो, दोनों शैतान अपनी जान बचा कर भागो। उसका पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। फिर उन शैतानों को जो भी गांव वाला मिलता है वे उसे भी पकड़ कर काट लेते हैं। काट गवा रे कम्बक खत का मारा, अरे काट गवा चबा गवा हमरा हाथ, ओहो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही दर्द होगा, फिर तुम्हें बहुत मजा आएगा।
फिर वो गांव वाली भी चुड़ैल बन जाती है और फिर सब शैतान गांव वालों के पीछे पड़ जाते हैं। सारे गांव में भगदड़ मच जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोहन और आशु जिसे भी काट रहे हैं वो सब भी शैतान बनते जा रहे हैं। ऐसे तो सारा गांव ही शैतान बन जाएगा। फिर ऐसा बोलकर मुन्ना अपने घर भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर मोहन उसके घर का दरवाजा पीटने लगता है। मुन्ना की पत्नी राधा खिड़की से बाहर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अजी, ये सब क्या हुआ? ये तो मोहन भाई है ना, ये शैतान कैसे बन गए जी? हाँ, ये शैतान कैसे बन गए? राधा, मुझे माफ कर दो, हम तीनों मिलकर पहाड़ी पर गए थे, वहीं पर मोहन भाई के पैर में कुछ काट गया और उसका ये हाल हुआ। अब वो जिसे भी काट रहे हैं वो भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा है। अजी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। चलिए, हमें अभी अपने पुरोहित जी के पास जाना होगा। उन्होंने ही मना किया था कि कोई उस पहाड़ी पे नहीं जाएगा, तो उन्हें उपाय जरूर पता होगा। हाँ, पर कैसे चलेंगे? बाहर तो मेरे सब ससुराल वाले खड़े हैं हमारा स्वागत करने के लिए। जाओ, तुम ही खातिरदारी करवा लो जाके। आपने ही अपने दोस्तों को इस मुसीबत में डाला है ना, अब आपको ही इन्हें इस मुसीबत से निकालना होगा। हाँ, ठीक कह रही हो। चलो बताओ फिर क्या तरकीब है। ये देखिए, मेरे पास ये नकली भालू के कपड़े हैं। कल राजू के स्कूल में नाटक है ना, उसी के लिए मैं ये लेकर आई थी। इसे पहनकर हम चलते हैं। अगर किसी ने काटा भी तो मुखौटा या इन मोटे कपड़ों पर ही काटेगा, हम बच जाएंगे। वाह वाह मेरी राधा रानी, तू बचा ले, बस तुझे तो मैं पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगा। बस बस अब रहने दो जी, आज तक पूरे गांव की सैर तो कराई ना होगी, दुनिया की सैर क्या खाक कराओगे। फिर वो दोनों भालू के कपड़ों को पहन लेते हैं और दरवाजा खोलते ही सामने मोहन शैतान बना खड़ा होता है और मुन्ना को काट लेता है। अरे नहीं नहीं, मर गया रे। अजी, ज्यादा नाटक मत करो, जल्दी चलो, आपको कुछ नहीं होगा। फिर मुन्ना मोहन को धक्का देकर राधा के साथ भागता है और भागते भागते वो दोनों पुरोहित के गांव पहुंच जाते हैं और मुखौटा हटाते हैं। पुरोहित जी, पुरोहित जी, दरवाजा जल्दी खोलिए। कौन है? अरे राधा बेटी, तुम यहाँ इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? आओ अंदर आओ। इतने में मोहन भी उनके पीछे पीछे पुरोहित के घर जाने लगता है। फिर राधा जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पुरोहित जी को सारी बात बताती है। मुझे पता था वो पहाड़ी श्रापित है, वहाँ का हर जीव जंतु श्रापित है, तभी सालों से वहाँ सबको जाने से मना किया था मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पुरोहित जी, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। राधा खिड़की से झांक कर देखती है तो सब गांव वाले शैतान बन चुके होते हैं और पुरोहित के घर की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। मुन्ना और राधा, तुम दोनों इन सब को अपनी ओर बुलाओ, मैं छत पर जाकर इनका इलाज करता हूँ। तभी राधा और मुन्ना दरवाजा खोल के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। मोहन, मेरे दोस्त, आओ मेरे पास, तुम मेरे दोस्त हो ना। तभी सब शैतान बने हुए गांव वाले पुरोहित के घर के पास आने लगते हैं। मोहन और आशु मुन्ना के पास पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मर गए, अरे पुरोहित जी कहाँ चले गए? इतने में मोहन और आशु मुन्ना को काटने आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई छोड़ दे मुझे, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मुझे छोड़ दे। फिर मोहन मुन्ना को काटने ही वाला होता है कि पुरोहित जी ऊपर से मोहन और आशु पे भभूत डाल देते हैं और भभूत डालते ही मोहन रुक जाता है और ठीक होने लगता है। मुन्ना, राधा, ये भभूत ले लो, इन सब गांव वालों पे डाल दो, ये सब शिव जी की भभूत डालते ही ठीक हो जाएंगे। फिर राधा और मुन्ना ऐसा ही करते हैं। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही गांव वालों पे भभूत डलती जाती है वो सब ठीक होते जाते हैं।